हेलो फ्रेंड्स, बच्चे कैसे हो तुम लोग? आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्शन IAS। देखो, जैसा हमने कहा था कि हम बीच बीच में मिलते रहेंगे, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए तुम लोग के पास मिले हैं। मेनी पर्सन्स हैव रिटन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड होपफुली आई फील मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन। Those who are not going to qualify the examination this year, don't worry about it because the core area of examination has been fixed, right? So once again, I would like to tell you something about what is the discussion today. Today, as a topic, you have seen Indian polity and governance core area for the IAS main examination. इसका मतलब ये है बच्चे कि Indian polity and governance जो modules है मेन एग्जामिनेशन यानी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या कोर एरिया है इस सब्जेक्ट से है। देखो, GS एक ऐसा पेपर है ना जहाँ पर एक समुद्र है, कुछ भी हो सकता है जनरल स्टडीज में, बट अगर तुम ट्रेंड एनालिसिस करोगे देन यू मे फाइंड आउट कि कुछ भी नहीं होता, कुछ कोर एरिया है, कुछ फोकस्ड एरिया है जहाँ से UPSC टारगेट करती है, वहीं से एग्जामिनेशन का एरिया बनता है जिसको हम कहते हैं कोर एरिया ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कोर एरिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या है UPSC का बेस्ड अपॉन द ट्रेंड एनालिसिस, राइट। तो 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस हमने किया है राइट फ्रॉम द 2013, और उस तरह के ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद कुछ कोर एरिया, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या बनते हैं या क्या पॉसिबिलिटी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का डिस्कशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे, एंड इफ़ यू फील एनी डाउट ड्यूरिंग द लेक्चर देन यू हैव टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द रिप्लाई ऑन टाइम। डन, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन नाउ, राइट। ओके देन, तो बच्चे आज हम लोग चलेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसको अगर तुम देखोगे पूरे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को, तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट एरिया में इस टॉपिक को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, राइट। पहले भी बताया द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन है। एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ इंडिया, जो स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लेजिस्लेचर इन इंडिया, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। जुडिशियरी इन इंडिया, यू नो वेरी वेल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हियर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एंड गवर्नेंस इज कंसर्न्ड, तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि तीनों के बीच एक इंटर रिलेशनशिप है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव से अलग है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल गवर्नेंस से अलग है। समझना जरूरी यहाँ पर ये है कि ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ से पूरे थीम इंटीग्रेशन का अप्रोच एंड फिलॉसफी क्रिएट होता है, ये तीन जो स्ट्रक्चर का पार्ट है जो इस फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, और ये प्रोसेसिंग का पार्ट है, राइट। तो ये है बच्चा प्रोसेसिंग, ये है स्ट्रक्चर, और ये है अप्रोच। ये तीनों को हम ऑर्गेनाइजेशन में अलग नहीं कर सकते। अगर फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है तो फैमिली का कुछ फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव्स होगा, फैमिली में एक स्ट्रक्चर है जो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, और एक प्रोसेसिंग एरिया है किस तरीके से पूरा करेगा, हाउ दैट इज सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन अंडर दीज पर्टिकुलर 3 इंटर रिलेशनशिप, राइट। तो देखो, तीनों को तुम अलग कर नहीं सकते, इसीलिए तीनों को हम पहले समझ लें, इंटीग्रेशन को इस्टेब्लिश कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें आंसर्स लिखना पड़े क्वेश्चन का, तो इस तरह का इंटर रिलेशनशिप को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं हो, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एक चीज़ को कि इसमें क्या क्या कोर एरिया पॉसिबल हो सकते हैं। डन, आर यू विथ मी 100%? ग्रेट। तो पेपर पेंसिल ले लेना भाई साहब, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, मे इट बी पॉसिबल इसमें मैं नहीं लिख पाऊँ तो उसको तुम लिखते रहना, राइट ना, इट्स ओके देन। तो चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द मेन एग्जामिनेशन, राइट। एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे अबाउट 40% ओरिएंटेशन, 40% क्वेश्चन इससे आते हैं, राइट ना। तो 40% क्वेश्चंस अगर आते हैं तो क्या क्या डायमेंशंस में आते हैं इसको समझेंगे। 3 बेसिकली डायमेंशन होता है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल में मेंशन है, यू नो वेरी वेल द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, द सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डिस्टिंक्टिव फीचर फेडरलिज्म,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टाइप का है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसलिए और पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम कोर एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो चलो एनालिसिस करते हैं यार, इसमें फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, इसको एनालिसिस करते हैं, राइट ना। देखो बच्चे, फिलोसफी को अगर तुम एनालाइज करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आती है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज कंसर्न बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फोकस्ड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाते हैं कि किस डॉक्यूमेंट से इंस्पायर्ड है, जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसका फॉर्मेट कहाँ से हमने लिया है, तो इसका मतलब अमेरिका से हमने लिया हुआ है, राइट। अगर हम बात करें कि ये डिबेटेबल डॉक्यूमेंट क्यों बन गया प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जिसने इसको डिबेटेबल डॉक्यूमेंट बनाया। प्रीएम्बल अगर हमने मेंशन किया हुआ है तो इसमें है क्या, तो फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस है, राइट ना। तो दीज आर पर्टिकुलर फैक्ट्स, ये जो इतने भी फैक्ट्स हैं छोटे मोटे, ये चीज़ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 20, एक इम्पॉर्टेंट डेट, राइट ना। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट हियर, 26th of November को इनो वेरी वेल मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि इट्स शुड बी रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, डेट इज़ कॉल्ड द संविधान दिवस। तब से ये प्रीएम्बल का ये डेट ऑफ एडॉप्टेशन जो हुआ ना, डेट इज हैज बिकम द वेरी कोर एरिया फॉर द एग्जामिनेशन। इस बार भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर तुम देखोगे तो ये चीज़ तुम्हें मिलेगा, राइट। द प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न्ड, बच्चे ये जो है ना, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर द मेन एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो टर्म्स आते हैं नहीं, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, अनदर इम्पॉर्टेंट लिबर्टी, पांच तरह के, इक्वालिटी दो तरह का, और फैटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और क्या ये मीनिंग जस्टिफाइड है आज के ज़माने में, कंटेम्प्रेरी, देखो ट्रेडिशनल तो है ही, कंटेम्प्रेरी, ये दोनों एरियाज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। मेन एग्जामिनेशन का फोकस समझो कंटेम्प्रेरी पे होता है, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फोकस समझो ट्रेडिशनल एरिया पे होता है, कि उनका डिफिनेशन क्या है, कौन सा वर्ड हमने किस अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा, जैसे सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म कब हमने जोड़ा, दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट, राइट। स्कॉलिस्टिक कमेंट, बहुत सारे स्कॉलर्स ने प्रीएम्बल को, किसी ने कहा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने कहा पॉलिटिकल होरोस्कोप, किसी ने कहा की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द, किसने कहा, क्यों कहा, डेट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। क्यों कहा, ये मेन एग्जामिनेशन का पार्ट बन जाता है, किसने कहा और किसके लिए कहा, डेट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो बच्चे ये कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हमने शुरू किया था गोपालन केस से, बीच में आया वहाँ पर बेरूबरी यूनियन केस, जहाँ पर बोला इट इज़ नॉट एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिवर्स किया LIC केस 1995 में। सेम केशवानंदा भारती केस, जो कि कह सकते हो बैकबोन है, जहाँ पर उसने पूरी तरह से बोला कि यस प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ अमेंडमेंट बट नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स इनकंसिस्टेंसी विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बच्चा जो एरिया है ना, ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का एरिया, अमेंडेबिलिटी का एरिया जो हुआ, डैट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक कोर एरिया तो बनता है, बेरूबरी यूनियन केस में क्या था, केशवानंदा भारती केस में क्या था, अमेंडेबिलिटी के लिए क्या कंडीशनलिटी है, ये जितने भी एरिया हैं डैट हैज बिकम द कोर एरिया ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट ना। तो मेन एग्जामिनेशन के कोर एरिया भी इससे रिलेट करते हैं, राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अमेंडेबिलिटी पे, तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। तो तुमने देखा यहाँ पर डिस्कशन तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस जो एरियाज हैं, राइट, इसको अगर ट्रेडिशनल पोर्शन को अगर हम निकाल दें, तो ट्रेडिशनल पूरी तरह से हो गए कौन से, प्रीलिम्स का पार्ट, और उसी को अगर कंटेम्प्रेरी में अगर हम ले लें, इट हैज़ बिकम द कोर एरिया फॉर द मेन एग्जामिनेशन, राइट। तो हमने देखा फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू, दिस इज द सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेलियंट फीचर, सेलियंट फीचर का मतलब ये हुआ डिस्टिंक्टिव फीचर, जिसमें देखो जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स आते हैं हमारे पास में, ये छह इम्पॉर्टेंट फीचर कोर एरिया बनाते हैं हमारे एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन का, जिसल बोरोड फीचर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स,
हम बोरिंग करके बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज़ देयर कि क्या चीज़ बोरो किया, कहाँ से बोरो किया, क्यों बोरो किया, राइट, व्हाट एंड फ्रॉम वेयर एंड व्हाई, राइट। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ से बनता है ये बोरोइंग फीचर, राइट। तो बोरोइंग फीचर इनका रिलेशनशिप है लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट हियर। तो एक क्वेश्चन आता है, एक स्कोप बनता है यहाँ पे। तीन चीज़ का बच्चे लिखना यहाँ पर जरूरी है मेन एग्जामिनेशन में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, लेकिन कोर एरिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो नहीं है, बल्कि कोर एरिया दो जगह है। एक तो चैलेंजेस क्या है पार्लियामेंट्री, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पहला चैलेंजेस हो गया प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी का आना, राइट ना, कोलिशन गवर्नमेंट में इनका एक इनस्टेबिलिटी में हो जाना, राइट, पार्लियामेंट्री एथिक्स का कम हो जाना, सुप्रीमेसी। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स, जाहिर है चैलेंजेस लिखोगे तो रिफॉर्म्स भी साथ में लिखोगे। और सेकंड इम्पॉर्टेंट इज देयर पार्लियामेंट्री सोवरेंटी वर्सेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। बेसिकली ये जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमको अलग करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, तो हम देखेंगे इनका कोर एरिया, यू नो, ये दोनों पर हम फोकस करेंगे, राइट। फेडरलिज्म जानते हो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया है, कोर एरिया है, कहीं से भी कुछ आ सकता है। ये जो एरिया बनता है हमारे मेन्स एग्जामिनेशन वो है डिबेट। डिबेट का मतलब कुछ लोग कहते हैं यस फेडरलिज्म, कुछ लोग कहते हैं नो फेडरलिज्म, और बाद में स्कॉलिस्टिक इनको जो है ना एक कंक्लूजन देते हैं। तो एक जो कोर एरिया हुआ इनका डिबेट कि कैसे कहेंगे इंडिया एज ए फेडरल स्टेट, कैसे कहेंगे इंडिया एज ए यूनिटरी स्टेट, और क्या कंक्लूजन है, ठीक है ना, ये हमने लिखा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये है कि अभी फेडरलिज्म का अप्रोच क्या है। जैसे फेडरलिज्म भी बहुत सारे चीज़ में निकले ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कोलोबरेटिव फेडरलिज्म, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन से लेकर के एमएम पुंशी कमीशन रिकमेंडेशन, और उसके बाद नीति आयोग का 2017 का अप्रोच, ये तीनों मिलाकर के हमारा फेडरलिज्म एक इंटीग्रेटेड फेडरलिज्म के फॉर्म में लीड करता है। तो हम देखेंगे कंटेम्परेरी डायरेक्शन फेडरलिज्म का क्या है, ये एक बच्चे कोर एरिया है, राइट ना। अब हम लोग चलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। शुरू से कोर एरिया रहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, एक्सटेंशन अगर हम तुम इसको कर दो तो जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL कल्चर और इससे रिलेटेड जो इशूज है ना, ये इनका हिट एरिया है फॉर द मेन एग्जामिनेशन में, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न जुडिशियल रिव्यू। यही रे इंडिपेंडेंस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल इंडिपेंडेंस का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। अब तक तो इम्पॉर्टेंट था ही, खास करके केशवानंदा भारती केस से बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया जुडिशियल रिव्यू। इम्पॉर्टेंट तो तब बना जब IR कोहिलो केस आया, और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इनके साथ जब मर्ज हुआ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यू नो वेरी वेल तुम्हारे सिलेबस का एक एक्सप्लिसिट पार्ट है, तो जाहिर है कि इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आती है, कोर एरिया निकल के सामने आता है, राइट ना। एंड सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बच्चे यहाँ पर तो क्लियर है कि सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, बट अगर बाई चांस इसमें चैलेंजेज आ जाए तो कहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को हम हार्मोनाइज करेंगे, ये जो एरिया हो गया ना, जो कॉन्टेक्स्ट हुआ, डेट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द कोर एरिया और द प्रोमिनेंट एरिया ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, राइट। तो देखो एक एक चीज़ को हम लोग बताते चल रहे हैं, एक एक चीज़ को तुम लोग नोट करते चलोगे, राइट ना, सुनोगे वो तो ठीक है, बीच बीच में पॉज करके इफ पॉसिबल देन इसको नोट डाउन कर लेना, राइट ना, इट्स ओके, डन। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अगर हम देखते हैं तो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर तुम देखोगे तो इसमें 8 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जहां पर कोर एरिया बनते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज से। अभी का इमर्जिंग यूनियन टेरिटरीज, खास करके दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और जम्मू एंड कश्मीर का UT का स्टेटस, अब यहां पर जो है ना ये कोर एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ कि हम स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करें, नहीं तो हमारा अप्रोच होता था यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करना, राइट। अब यूटी को हमने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया, विदर इज इट द गुड कॉन्सेप्ट, मोरली गुड कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल 356 लगने के अंदर हम ये इतना बड़ा काम कर दें, या फिर लीगली गुड कॉन्सेप्ट कि इस तरह का चीज़ इलीगल है, क्या है, एक डिबेट है। डिबेट को हम दो भाग में तोड़ते हैं, तो इसको हम देखेंगे कि क्या ये सही है गलत है, हमने जैसा किया।
तो हम नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर वहाँ का डेमोक्रेसी से बात करें या जस्टिस से बात करें, जितना भी हम कॉन्टेक्स्ट होगा उसको अगर हम एक मैट्रिक्स बना लें तो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर एक कोर एरिया के रूप में क्रिएट होता है, राइट ना। और दिल्ली, दिल्ली में तो तुम देख ही रहो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। 2016 का हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, 18 में जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक्सप्लिसिट कर दिया था कि कितना पावर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में, कितने पावर होंगे यू नो एलजी के पास में। एलजी का मतलब कि यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट कंट्रोल्ड अथॉरिटी जो होते हैं, राइट ना। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उनके लिए ऑर्डिनेंस भी बन गया। अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस क्या सही है गलत है, रिव्यू पिटीशन के लिए गया, रिव्यू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ये जो पूरे कॉन्टेक्स्ट है ना, राइट फ्रॉम केजरीवाल अप्रोच से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइटिंग है और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 69th अमेंडमेंट एक्ट, बच्चे ये इम्पॉर्टेंट कोर एरिया बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में बाकी तो तुम जानते ही हो, यू नो पांच तरह का सिटीजनशिप का यू नो देना, तीन तरह से लॉस करना, बट कंटेम्परेरी एरिया बनता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये और कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब हम इसमें जोड़ते हैं नेशनल यू नो पॉपुलेशन रजिस्टर और नीचे जोड़ते हैं NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। तो ये जो NPR और CAA और NRIC तीनों का मैट्रिक्स जब बनता है बच्चे, ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कोई कहता है दिस इज ए पोर्शन ऑफ द फोर्स्ट कन्वर्जन, तो कोई कहता है नहीं जी दिस इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी इन द रेजिडेंट एट यू नो दिस लॉ ऑफ लैंड अंडर द लॉ ऑफ लैंड। तो अब क्या है मैटर क्या नहीं, ये हम लोग डिबेट में समझेंगे। ये पर्टिकुलर एरिया है फंडामेंटल राइट का एरिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे फोकस करना जरूरी है, आर्टिकल यू नो 19 एंड आर्टिकल 21, हमेशा से हीट एरिया रहा है ये, राइट। और अब एक हीट एरिया और आ जाता है जहां पर हम देखते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 30 के बीच में अगर कोई भी मैटर सेकुलरिज्म से डील करता हो तो, राइट। इन जनरल कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म पे कभी भी कंट्रोवर्सी आती है, तो ये जो आर्टिकल हैं 25 से लेकर के 30 के बीच में, ये कहीं ना कहीं इसका एक इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, राइट ना। तो इसको हम देखेंगे, इसको देख लेना ढंग से। DPSP में जो कोर एरिया आता है ना, वो है अभी का कोर एरिया आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज इम्पॉर्टेंट यू नो फैक्ट हियर, व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या कहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, अगर हो तो कैसा हो, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ कहते हैं लोग कॉन्स्टिट्यूशनल है, मॉडर्न है, रेशनल है, जस्टिफाइड है, बट कुछ लोग कहते हैं कि ये तो यार एंटी मुस्लिम है, कुछ लोग कहते हैं ये तो प्रो हिंदू है, कुछ लोग कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल। अब वैसा भी है क्या, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिबेट, राइट ना। तो हम लोग देखेंगे DPSP में, दिस इज कॉल्ड द UCC, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज देयर, राइट। यहाँ पर फिफ्थ इम्पॉर्टेंट एरिया, व्हाट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज माइल्ड एरिया है एग्जामिनेशन के पॉइंट, बट सिग्निफिकेंस इज इम्पॉर्टेंट, राइट ना। आजकल सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट है कि पार्ट 4A का सिग्निफिकेंस क्या है, का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि रिमाइंडर्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन आए 11 फंडामेंटल ड्यूटी को तुम डिस्क्राइब कर देना एप्रोप्रिएटली, राइट ना, डेट्स इम्पॉर्टेंट। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये रहा है, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस अभी तमिलनाडु में अगर इशू बहुत बड़ा हो जाता है तब तो ठीक है, अगर इशू बहुत बड़ा नहीं हो तो बहुत ही माइल्ड कोर एरिया इससे क्रिएट होता है, राइट। अगर हम चले पब्लिक सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इसका, जैसे आर्टिकल 309 से लेकर 309, 10, 11, राइट 320, यहाँ प्रोटेक्शन 323A, जहाँ पर हम जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, और प्रकाश सिंह केस को अगर हम ले लें 2006 का केस को, जहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज की बात होती है, तो क्या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बच्चे हम लोग ने डिस्कस करेंगे अंडर द पब्लिक सर्विसेज ईयर। ये कोर एरिया रहा है, राइट। जब जब ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है तब तब ये कोर एरिया रहा है, राइट।
रीजनल एरिया में इन जनरल इट हैपेंस, जैसे वेस्ट बंगाल और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के बीच में कैडर कॉन्फ्लिक्ट था पहले, एंड वेस्ट बंगाल में तुमने देखा चीफ सेक्रेटरी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ। अगर इस तरह का कोई भी घटना आता है बीच में तो समझो कि एक और एरिया बन जाता है, राइट ना। एमरजेंसी प्रोविजन ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चंस तो आते हैं, जैसे देखो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, है तो नहीं कोर एरिया लेकिन ट्रेडिशनल एरिया कोर एरिया आ जाता है, बिकॉज हमें झटका तब लगा जब लास्ट टू लास्ट ईयर में फिनंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछ दिया, जबकि कोई भी इशू फिनंशियल इमरजेंसी से कंटेम्प्रेरी एरिया में नहीं था, राइट, फिर भी ये क्वेश्चन कर दिए। तो इस तरह से मतलब कि कह सकते हो कि कोई भी ट्रेडिशनल एरिया को हम छोड़ नहीं सकते, फिनंशियल इमरजेंसी हो और आर्टिकल 356 यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो तो हिट है ही, हमेशा से रहा है, खास करके सर बम्बई केस के बाद में। और अमेंडमेंट प्रोसीजर इज कंसर्न, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बट कोर एरिया है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट यू नो इन इंडिया, और एक डिबेट भी कि स्टेट का रोल इतना कम क्यों है जबकि हम मानते हैं कि दिस इज़ द फेडरल कंट्री, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट बच्चे तुमने देख लिया इतने सारे चीज़ हमने मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में, इसको डिटेल में मेंशन किया, रीजन इज ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, राइट। तो बच्चे अब आगे चलते हैं एंड आगे देखते हैं, यहाँ पर आता है एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव जिसमें कि 5 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव को हमने लिया है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड पब्लिक पॉलिसीज यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोर एरिया होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म कैसा है होना चाहिए कैसे, और पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर हम चले जाएं वाइस प्रेसिडेंट में तो इनका रोल इम्पॉर्टेंट है कोर एरिया में कि एज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एज यू नो दैट इज़ द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरह का रोल है। अभी तक कोई डिबेट हुआ नहीं है इसीलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यू नो एरिया कंटेम्प्रेरी में नहीं बनता। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, खास करके उनका रोल और उनका एक और अकाउंटेबल कैरेक्टर यहाँ पर कोर एरिया बन जाता है। अटॉर्नी जनरल बेसिकली इनका रोल इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन आए हैं मेन में तो इनके रोल से रिलेटेड मैटर को डील करता है, राइट ना, कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप इनको ना डिस्क्राइब कीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज द CAG, बच्चे CAG का रोल इम्पॉर्टेंट है, खास करके इनका जो ऑडिट फंक्शन है और इसमें जो PAC का जो रोल है, इनका जो रिलेशन है जिसको हम कहते हैं CAG इज़ द फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, खास करके स्कैम को यू नो डिसिफर करने में, इनको कह सकते एक्सपोज करने में, जितना भी स्कैम एक्सपोज हुआ है 90% स्कैम्स इनके रिपोर्ट से एक्सपोज हुआ है। बट एक इम्पॉर्टेंट इनके साथ इशू भी है, क्या अपॉइंटमेंट CAG का सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोलिजियम हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और लीडर ऑफ अपोजिशन हो, क्या ऐसे होना चाहिए, राइट। तो इसको ना एक कोर एरिया तो बनता ही है, इसको ना एक बार कंटेम्प्रेरी में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, PMO, लेकिन इनका जो बीच का रिलेशन है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वर्सेस PMO, राइट। कैबिनेट जब स्ट्रांग होता है तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट स्ट्रांग होता है, और जब PM स्ट्रांग होते हैं तो PMO स्ट्रांग होता है, राइट। तो जब PMO और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हमेशा से राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी रिजीम से डिबेट में रहा है, आज भी ये डिबेट में है कि क्या सही है दोनों के बीच का रिलेशन, या फिर रिलेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्शन या रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है, राइट। देखेंगे यहाँ पर बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर गवर्नेंस में ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत आते हैं, हेल्थ पॉलिसीज आते हैं, एजुकेशन पॉलिसी आते हैं, और इसमें रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी आते हैं, इसमें HR पॉलिसी आते हैं। तो हर एक पॉलिसीज का एक डायमेंशन, खास करके एजुकेशन पॉलिसी, अब देखो कहीं कहीं पर स्टेट में डिबेट है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी पॉलिसी डिबेट में आएगी उसको हम यहाँ पर काउंटर करेंगे, राइट ना। ये कोर एरिया बन जाता है एग्जामिनेशन का, राइट। तो ये एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर लेजिस्लेटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट, या लेजिस्लेचर कह सकते हो। इसमें लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें देखो दो तीन चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेचर एक कोर एरिया बनता है कि क्या अभी के समय में 543 का स्ट्रेंथ लोकसभा का सही है,
या फिर अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जो आदमी जो पॉपुलेशन ग्रोथ या कंट्रोल पे काम कर रहा है वो तो घाटे में रह जाएंगे फिर। यार बहुत बड़ा इशू आता है कि स्ट्रेंथ के लिए हमें कौन सा एरिया को डील करना चाहिए, ये कोर एरिया है, राइट। फंक्शनरी ऑफ द लेजिस्लेचर में स्पीकर और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो स्पीकर का रोल, उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी। अब हम देखो स्पीकर का, हमने एक एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा कि वही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ को तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमने देखा स्पीकर का रोल कभी कभी बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी में क्या है, कैसा होना है, सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है महाराष्ट्र के केस में, देखेंगे यहाँ पे क्या इसका इन आउटकम है। प्रिविलेजेज ऑफ लेजिस्लेचर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस एक डिबेट का पार्ट है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो भाई अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए इससे प्रिविलेजेस को खतरा है। अब समझ में नहीं आता होना चाहिए कि नहीं, तो एक डिबेट है। ये डिबेट को दोनों तरफ से सुन के हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और इसको डील करेंगे, ये कोर एरिया बन जाता है। सेशन एंड सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर, ये थोड़ा सा जो है ना ये बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी नहीं होता है, खास करके ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो होता है ना, या ज्वाइंट सेशन कह लो वट एवर भी, ये जो पार्लियामेंट का सेशन है कब होगा कब नहीं होगा कोर एरिया है अंडर आर्टिकल 108 जो है ना, इनका हिट एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया में, राइट। प्रोसीजर में लॉ मेकिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है। बजटरी इनैक्टमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह जो होते हैं वो है। अनदर, बजट इनैक्टमेंट प्रोसेस में ग्लोटिन, क्या ग्लोटिन होना चाहिए, कभी कभी तो काफ़ी हद तक हो जाता है ग्लोटिन, ये तो यार बहुत ही नॉन अकाउंटेबल एक्शन है, यह पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अगेंस्ट जाता है सिस्टम। तो ये ग्लोटिन इसमें जो हो रहा है ना इनैक्टमेंट और कट मोशन का जो एरिया है उस पर एक डिबेट, तो हम लोग इसको देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेचर, जाहिर है विस्टा प्रोजेक्ट अभी बनाया ना हमने, अब विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने फिर से रिस्ट्रक्चरिंग किया उनके सेक्रेटेरिएट को, अदर इंपॉर्टेंट एरिया, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे। और लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जाहिर है कुछ कुछ लेजिस्लेशन बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, अगर कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हुआ जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कंट्रोवर्शियल हो गया, राइट ना, तो ऐसे अगर लेजिस्लेशन का अगर होता है इनैक्टमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, यू नो कोर एरिया बन जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम का। अब यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। दो ही चीज़ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और द म्यूनिसिपैलिटीज, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो बड़ा प्राइम है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका प्रोविजन्स, इनके आने के बाद फिर भी चैलेंजेस, और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का रिपोर्ट, खास करके रिपोर्ट नंबर 6 रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहता है, किस स्ट्रक्चर की बात कहता है। और खास करके बहुत सारे यू नो जो हमने बनाया स्टेट का एक्ट, जैसे कि बिहार में बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, या फिर कहो म्यूनिसिपलिटी एक्ट, बिहार म्यूनिसिपलिटी एक्ट 2007, ऐसे ऐसे एक्ट हमारे यहाँ बने हैं, राइट ना। तो उस एक्ट में अगर कोई डिबेट हुआ तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का क्या मानना है, ग्राम सभा को लेकर के क्या हमारा अप्रोच है, और एरिया सभा होना चाहिए कि नहीं, बच्चे ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो हम देखेंगे, ये कोर एरिया है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बचा वो है क्या, जुडिशियरी, राइट ना। जुडिशरी की बात करते हैं, दिमाग में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट, बच्चे सबॉर्डिनेट कोर्ट कोर एरिया नहीं है। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, उसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जुडिशियरी, राइट। तो पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी कभी होते हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं उनके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड समथिंग, यू नो ये पर्टिकुलरली, तो एक भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कोर एरिया बन जाते हैं इसका, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट एंड एवरीथिंग, फंक्शनरीज के बारे में खास करके जब डिबेट होता है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज मास्टर ऑफ रोस्टर होना चाहिए कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी देते हैं, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करे, कोलिजियम डिसाइड करेगा। कोलिजियम बनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो गया। दीपक मिश्रा जी के एक डिबेट आने के बाद, खास करके कंट्रोवर्सी आ चुका था उनके टेन्योर में, तो ऐसा लगने लगा था शायद जुडिशरी का कहीं पॉलिटिसाइजेशन या इंडिपेंडेंस का खतरा तो नहीं हो गया,
तो ऐसे स्थिति में एक डिबेट तो बनता है यार। तो ऐसे से फंक्शनरीज बीच में आते हैं तो यहाँ पर एक डिबेट का पार्ट बनता है। आजकल हम देखते हैं जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में जजेज रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट जो हो जाते हैं तो अचानक से उनको असाइनमेंट मिल जाता है। क्या इस तरह का असाइनमेंट पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट का होना कोई डिबेट तो नहीं है? इंडिपेंडेंस पे कोई अटैक तो नहीं है? तो देखेंगे इस तरह के चीज़ें को, यू नो, ये एक ही एरिया बन जाता है। जुरिसडिक्शन में देखो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन खासकर फंडामेंटल राइट ऑफ फेडरल डिस्प्यूट और खासकर रिविजनरी जुरिसडिक्शन राइट, ये सब जो एरिया है ना, कभी कभी बीच बीच में कोई कोई इशू को लेकर डिबेट में आ जाते हैं राइट। हम देखेंगे सही है क्या है नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियरी भी पहले वाले में भी था, सर्टेन फीचर में यहाँ भी है राइट ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सोवरेंटी को नहीं होने देता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में ही रखता है। सही है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है इतना जुडिशियल एम्पावरमेंट को होना। अब ये भी आजकल का पार्ट है डिबेट में। अब तो शेड्यूल 9 में भी प्रोटेक्शन जो था पार्लियामेंट का, वो भी प्रोटेक्शन खत्म हो गया ड्यू टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखेंगे। और कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी जुडिशियल वर्डिक्ट्स, तुम जानते हो जुडिशियल वर्डिक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा ये डिबेट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने देखा होगा कि सेम सेक्स मैरिज उनका जो आया वर्डिक्ट, या देखा होगा दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी पे जो इनका वर्डिक्ट आया राइट। तो क्या सही है? अगर इनका वर्डिक्ट इतना ही सही था तो क्या ऑर्डिनेंस बनाकर को उलटना जरूरी था? ये शाहबानो और ये पर्टिकुलर क्या दोनों सेम टाइप का चीज़ था? जुडिशियल एक्टिविज्म में कभी कभी ऐसे होते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा रेशनल होता है। अब ये रेशनलिटी पे क्वेश्चन तब तक रहेगा जब तक ये डिबेट में रहेगा इशू राइट। तो देखते रहना, अगर होता है तो ये जुडिशियरी का एक इम्पॉर्टेंट कोर एरिया बन जाता है राइट बच्चे। और अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में, देखो अब डिस्कशन का लास्ट हो रहा है। एक बार फिर से कहेंगे तुम लोग को बैठ जाना पेपर पेंसिल लेकर के, थक गए हो टेंशन लेने का नहीं है, ब्रेक ले लो पॉज कर लो उसके बाद देखो राइट ग्रेट। और यहाँ हम लोग देखते हैं लास्ट पोर्शन, गवर्नेंस इन इंडिया राइट। प्रोसेसिंग है, 5 इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया है अकाउंटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अकाउंटेबिलिटी के बारे में डील करने का। तो पहला अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या क्या मैकेनिज्म है जो अकाउंटेबिलिटी को शो करता है? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों का मिक्सिंग होता है। अकाउंटेबिलिटी का लेना देना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से, प्रिवेंशन ऑफ मैलएडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी से है राइट। अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में 4 मैकेनिज्म्स हैं राइट। तो एक तो हो गया हमारे पास पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म, एक हो गया एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म, जुडिशियल मैकेनिज्म, कुछ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, बट एक नया मैकेनिज्म सामने आया जैसे कॉल द पीपल्स मैकेनिज्म। बहुत सारे उसके साथ में टूल आए, राइट टू इंफॉर्मेशन का टूल आया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का टूल आया हमारे पास, यहाँ पर एक हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया का भी टूल आया राइट। तो बहुत सारे टूल जब एक साथ में आते हैं, रिडेसल ग्रीवांसेस, लोकपाल, लोकायुक्ता, ये जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड हैं। और जितने एरिया पे अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म है सब में डिबेट है कुछ ना कुछ। जैसे CBI एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है लेकिन ये पोलिटिसाइजेशन में एक डिबेट है। ED अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, अब ये भी एक डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं CBI एंड ED इज नथिंग बट टूल अंडर द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू क्रश द अपोजिशन। अब यार ये डिबेट है, अकाउंटेबिलिटी का टूल है कि पॉलिटिसाइजेशन का मैकेनिज्म है? तो यहाँ पर क्या होता है, डिबेट होता है राइट। लोकपाल, लोकायुक्ता, अभी तुमने देखा, अभी तो डिबेट में नहीं है, मे इट बी पॉसिबल का लोग कहीं डिबेट में ना हो जाए राइट। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर डेमोक्रेटिक इंडिया, कैसा होना चाहिए रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चैलेंजेज इसमें बहुत है। जब ये रोल करने जाता है बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, कुछ तो टेक्निकल चैलेंजेज आते हैं, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसे चैलेंजेज आते हैं ब्यूरोक्रेसी में नेपोटिज्म का, फेवरेटिज्म का, करप्शन का राइट। कुछ चैलेंजेज ऐसे आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि ऑल इंडिया सर्विसेज वर्सेस स्टेट सर्विसेज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, कुछ सर्विसेज ऐसे हो जाते हैं कि बीच में ऑल इंडिया सर्विसेज का डिबेट में यूनियन स्टेट का रिलेशन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है राइट ना। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन में कैसे डील हो, इसको हम लोग देखेंगे। ई गवर्नेंस बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, इसमें तो पूरा एक एक चीज़ ही कोर एरिया है। मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, हाइपर सर्विलांस एक इम्पॉर्टेंट इनो चैलेंजेज आया राइट टू प्राइवेसी के अंडर में। हमने देखा कि इसमें एक बहुत बड़ी चैलेंजेज यहाँ पर और आती है, डिजिटल डिवाइड खासकर इंडिया में,
अब इस पर कौन कौन सा एक्शन लिया? आईटी एक्ट 2000 में हमने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था, उसके बाद फिर NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2009 में एक्शन लिया, बहुत बड़ा एक्शन मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो बच्चे हम देखेंगे एक चीज़ को कि इसमें ई गवर्नेंस का क्या पर्टिकुलर है, क्या होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जब से आया है। अभी मोदी जी ने 2018 में ना कुछ अमेंडमेंट किए थे, डिबेट में आ गया। वो कुछ लोग कहते हैं कि इस तो इन्फॉर्मेशन कमीशन को थोड़ा डायलूट कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन को और डायलूट कर रहे हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे क्या सही में डायलूशन है कि कुछ अलग टाइप का सिस्टम हो सकता है इसमें। एंड सिटीजन चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पर चैलेंजेस तो हैं। सिटीजन चार्टर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था 1997 में, आज 2023 है, इतने साल के बाद भी सिटीजन चार्टर अगर इफेक्टिव नहीं है बच्चे, कुछ तो यार चैलेंजेज है। क्या प्रोफेशनलिज्म में चैलेंजेज है, पीपल्स अवेयरनेस में चैलेंजेज है, उनकी फॉर्मेट में चैलेंजेज है, किस तरह का चैलेंजेज है और क्या होना चाहिए? सिटीजनशिप जो ये सिटीजन चार्टर बी लेख है अभी तक हमारे पास बना हुआ है, एक्ट जिस दिन बन जाएगा काफ़ी चैलेंजेज हद तक ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिपोर्ट 4 में सिटीजन चार्टर को कैसा होना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, देखो एथिक्स में रखा हुआ यूनिवर्सिटी जो 4 है डेट इज़ रिलेटेड टू एथिक्स, और इसीलिए ये टॉपिक जो है ना एथिक्स यानी पेपर 4 का भी पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर कोर एरिया बनते हैं ये सब, तो इसको देखा हमने, इस तरह से इतना हमने बड़ा सिस्टमेटिकली डिस्कस किया, राइट। तो क्या क्या डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव में क्या है, लेजिस्लेचर में क्या है, जुडिशरी में क्या है, सबसे लास्ट में व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नेंस में क्या है, राइट। तो ये हमारा तो डिस्कशन था, तो लास्ट में हम कहेंगे तुम लोग से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि अब तुम लोग से ही कहेंगे यू नो कि दिस पर्टिकुलर एरिया जो हमारा एकेडमिक सोर्स है उससे तुम कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, जैसे लक्ष्मीकांत जी की बुक से NCERT अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो, DD बसु साहब के सुभाष कश्यप के साथ में और हैंडबुक ऑफ द PM बक्सी जो आर्टिकल की बुक है जहाँ से आर्टिकल से कभी कभी क्वेश्चन स्कैन करके देते हैं, और कंटेम्प्रेरी के लिए कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम की बुक, न्यूज़पेपर हिंदू वगैरह का रिलेवेंट आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट कॉलम को देख लेना, ऑल इंडिया रेडियो का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी कंक्लूजन में काम करते हैं, ओपिनियन बिल्डिंग में काम करते हैं, राज्यसभा TV का भी अगर तुम डिबेट देखते हो तो इंटरेस्ट भी आएगा, एक नॉलेज भी इन्हांस होगा और एक सबसे बड़ी एनालिटिकल स्किल डेवलप होगा जो कंटेम्प्रेरी साइड, और इन योर ओपिनियन इन व्हाट यू थिंक, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ को। इंटरनेट पे जाना ही है तो इधर जाओगे PIB साइट पे, PRS साइट पे, ये एग्जीक्यूटिव साइट को अपडेट करेंगे और ये लेजिस्लेटिव साइट को अपडेट करेंगे, और परफेक्शन IAS जो इंस्टीट्यूशन है उनका एक मैगजीन आता है IAS इंटेंट, तो हम लोग का एक मैगजीन IAS इंटेंट कोशिश करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है सबको हम सिंक्रोनाइज कर दें, सिस्टमेटिक बना दें और आपको तुमको प्रोवाइड कर दें। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम तुम्हें ये दे दिया जाता है करेंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे, अगर यहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वट एवर भी राइट। तो ये जो चीज़ है ना ये तुम्हें अगर करोगे तो जाहिर है जितने हमने कोर एरिया डिस्कस किए अप्रोप्रिएटली इसको हैंडल कर लोगे, राइट। एंड लास्ट में बच्चे बोलेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हियर, एंड स्टिल यू फील एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट तो एक बार बता देना हमें, राइट, कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड वंस अगेन चलो फिर मिलते रहेंगे, बीच में जो भी अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड वीडियो होगा, सिविल सर्विसेज के रिलेटेड वीडियो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिलेटेड वीडियो होगा यार हम तुम्हारे साथ रहेंगे, राइट। वेरी नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।